अगर अभी आपका कोई निर्णय हो रहा हो तो बताओ, आप अपने बात करिए और मुझे बताइए। अभी वही अभी तय हो गया, अगर वो कह रहे हैं बनाना है, हम कह रहे हैं नहीं बनेगा। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। मंदिर तोड़ मस्जिद बनाने का सिलसिला आज नहीं बल्कि सैकड़ों साल से चला आ रहा, लेकिन आज मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना कठमुल्लों के लिए काल बन चुका है। आज हम आपको ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बन रही थी, लेकिन वहां पर बीजेपी मंत्री जैसे पहुंचे और वही मस्जिद में हुआ बम धमाका और मस्जिद वहीं ढा गई है। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाऊंगा और इस खबर से वाकिफ मैं आपको कराने जा रहा हूं क्या है पूरा मामला, ये वीडियो कहां की है और क्यों ऐसा किया जा रहा है इन बड़े मंत्रियों द्वारा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब मंदिर तोड़ी जा रही थी तो वहां की स्थानीय पुलिस भी उन मुल्लों का साथ दे रही थी, लेकिन जब बीजेपी एमएलए वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दिया और मस्जिद को वहीं पर रोक लगा दी। सबसे पहले देखिए वीडियो। तोड़ा गया वो तो गलत किया ही गया। क्या रिकॉर्ड, क्या आपके पास प्रमाण है तोड़ा गया? क्या प्रमाण है तोड़ा गया? प्रमाण क्या उसने नहीं, अगर तोड़ा गया है तो बनवाओ। होता गया था, बनवाओ। ये तो हम कह रहे हैं बनवाओ इसको। बनवाया के किसकी दम है बनवाया करके इसको? बुलाइए अपने उच्च अधिकारी को, बुलवाइए, कह दीजिए कि विधायक जी खड़े हैं नहीं बनने दे रहे हैं। मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, बनाया करके जिसकी हैसियत हो बनाया करके। बिजपुर में माहौल खराब करना चाहते हो सब लोग, कर लो आकर के। हम कह रहे हैं तोड़ा गया बनाया करके जिसकी क्षमता। क्यों भाई, कितना पहले से टूटा हुआ था, क्या था यहाँ? जैसा है वैसा ही था भैया, पहले से टूटा, जैसा है वैसा ही था, पहले भी ऐसा ही था। देखिए दवाओं में काम नहीं होगा ना, या आपने सबको लिया, सब संज्ञान में लिया, दोनों पक्षों को बुलाया, कोई निर्णय किया आपने? आप यहाँ के एसओ हो, आपकी जिम्मेदारी है, सचो हो, दोनों पक्षों को बुलाना चाहिए, एक फैसला करना चाहिए। दोनों पक्ष अगर कोई बात पे सहमत हो जाते तो उस पर आप काम कर लेते, ये कर लेते हैं। नहीं, अब क्या कर लेते हैं, अब कुछ नहीं होगा यहाँ पर, जो होना था वो हो गया। क्या बना है, बिना काम क्या हुआ है? ये ऊपर ईंटें लगे हुए, इसकी वीडियो बनाओ, जो अभी की स्थिति है इसकी वीडियो। उस तरफ देखो, उस तरफ तसला वो रखा सामान। अभी क्या करना है आपको, बनाना है? नहीं, अब अगर तत्काल बनाना हो तो आप बताओ, तो उस तरह की हम व्यवस्था करें। और अगर अभी आपका कोई निर्णय हो रहा हो तो बताओ, आप अपने बात करिए और मुझे बताइए। अभी वही अभी तय हो गया, अगर वो कह रहे हैं बनाना है, हम कह रहे हैं नहीं बनेगा, ये आप उनको बता दें। आप तय करिए, अभी बताइए, ये रोड रोड नहीं चलेगा। बुलाइए सब लोगों को, ये जो बचा है ये भी टूट जाएगा। तो आपने वीडियो देखा जिसमें एमएलए अभिजीत सिंह सांगा की ये वीडियो है। अभिजीत सिंह सांगा क्या कहते हैं वो तो आपने देख लिया। ये मामला है धर्मनगरी बिठूर में चंद लोगों द्वारा मंदिर की जगह पर मस्जिद निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा था, स्थानीय पुलिस खुद ये निर्माण करा रही थी। जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल अवैध निर्माण को मेरे साथ स्थानीय लोगों द्वारा रुकवा दिया गया। जय श्री राम, यानी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना इनके लिए मुश्किल साबित हो गया। और वहीं पर जब एमएलए पहुंचे तो कठमुल्ले भागते नजर आए, लेकिन वहीं पर बीजेपी एमएलए ने स्थानीय पुलिस को भी फटकार लगाई है। जब मंदिर टूट रही थी तो ये लोग कहाँ थे, लेकिन फिर भी ये लोग शांत थे। पुलिस वालों ने आज ये बड़ी गलती कर दी है, ये बहुत बड़ी गलती है बीजेपी राज में, जहां पर बीजेपी पूरे भारत को भगवामय करने की सोच रही है, लेकिन कुछ पुलिस वाले भी आज कठमुल्लों का साथ दे रहे हैं। यानी कि ये पुलिस वाले भी शायद उसी धर्म से बिलोंग करते हों जिस धर्म में इस्लाम का पाठ
पढ़ाया जाता हो। लेकिन आज की ये वायरल वीडियो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है उन कठमुल्लों के लिए जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच पर जब बीजेपी का वार होता है तो उनकी सोच वहीं पर ध्वस्त हो जाती है। तो आज आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उनको पता चले जो मंदिर तोड़ने से पहले मस्जिद का ढांचा तैयार करते हैं उनके लिए भी ये खबर उनके पास पहुंचनी चाहिए और वो भी जानकारी ले लें कि बीजेपी उनके साथ क्या करने वाली है। क्योंकि पुलिस को तो खरीद सकते हैं लेकिन नेता मंत्री को नहीं, एजेंडे को नहीं खरीद सकते हैं जो एजेंडा आज बीजेपी चला रही है। क्योंकि जब से बाबरी विध्वंस कांड हुआ है, बाबरी को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया है, तब से मुल्लों की फटी पड़ी है। इसीलिए लोग मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन इनका ये भी कारनामा ध्वस्त हो जाता है जब नज़र बीजेपी की पड़ती है। यानी कि हमने आपको कई सारी ऐसी वीडियो दिखाई है जहां पर ये लोग बीच मस्जिद, बीच कह सकते हैं रोड पर, बीच रोड पर ये मज़ार बना लेते हैं, पीर की मज़ार बना लेते हैं। और कुछ दिन पहले भी हमने आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि कई लाउड स्पीकर ये लोग बांध देते हैं मस्जिद में ताकि इस्लाम की गूंज पूरे भारत में फैल जाए। लेकिन लाउड स्पीकर पे भी बैन लग चुका है, लाउड स्पीकर भी अब नहीं बजेंगे। और ये जो धर्म परिवर्तन कराने की नीत रखते हैं, जो अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश करते हैं, अब ऐसा नहीं है। क्योंकि MLA अभिजीत सिंह सांगा ने आज जो कार्रवाई की है ये काबिले तारीफ है। और पुलिस वालों और कठमुल्लों के बीच में ये दहाड़ देना कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण है कि आने वाला समय जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। क्योंकि कोई भी हिंदू मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बनाता, लेकिन लगभग कठमुल्ले मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की कार्रवाई करते हैं। मस्जिद बनाने के लिए थाने में जाते हैं और कुछ पुलिस वाले भी ऐसे हैं कि उन्हें अनुमति दे देते हैं और साथ में खड़े होकर मस्जिद बनवा देते हैं। यही कमजोरियां रही हैं, लेकिन ये पुलिस वाले ना समझें कि उनके ही दम पे देश चलता है। वो देश के रखवाले हैं, कोई निर्माण करने से पहले उन्हें बड़े बड़े अधिकारियों से राय लेनी पड़ती है। और ऐसे खड़े होकर अगर पुलिस वाले ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी उस कटघरे में आ जाते हैं जिस कटघरे में मस्जिद बनाने वाले आते हैं। यानी कि तोड़ी गई मंदिर पर मस्जिद बनाना एक बम के धमाके के समान है जो आज बीजेपी MLA ने किया है। स्पष्ट है कि अभिजीत सिंह सांगा ने आज जो कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय लिखिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन कठमुल्लों तक पहुंचे जो आपके बगल बनी हुई मस्जिद को मंदिर को गिराने की बात करते हैं और वहीं पर मस्जिद बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए और आपको ऐसे बड़े मंत्री और नेता चुनने चाहिए जो आपके धर्म का ख्याल रखे, जैसा कि आज अभिजीत सिंह दारा ने किया है। ऐसे ही नेता आपको चुनने होंगे, नहीं तो जैसे पुलिसकर्मी थे, आपने वीडियो देखी है, जैसे पुलिसकर्मी थे उस तरह के कोई लीडर आपको नहीं चुनना, नहीं तो आपका धर्म खतरे में हो जाएगा। और वहीं पर ये जैसे कुछ टुकड़े टुकड़े लोग मस्जिद बनाकर आपके धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे। क्योंकि लव जिहाद आज लगभग कई सारे केस थाने में पड़े हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, यहाँ तक कि FIR भी दर्ज करने में पुलिस वाले डरते हैं। लेकिन उनके डर में ही आपकी जीत है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा और इन जैसे पुलिस वालों को और इन जैसे कठमुल्लों को सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएंगे, आपके घर को तोड़कर ये अपना घर बनाएंगे और आपके स्कूल को तोड़कर ये मदरसा बनाएंगे। इसीलिए आज सैकड़ों साल से चली आ रही नीत पर ये बरकरार है, लेकिन आपको भी इस नीत से जानकारी लेनी होगी, जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरह से ये मस्जिद बना रहे हैं और जहां भी मस्जिद बन रही है, एक बार आप ज़रूर उस जगह के बारे में ज़रूर जागरूक हों कि वो जगह किसकी है, ये मस्जिद क्यों बना रहे हैं। क्योंकि अगर ये मस्जिद बनाते हैं तो आने वाले समय में जिस तरह से इन्होंने पैर पसारा है,
ये कौन से मुसलमान हैं जिन्होंने आज ये पैर पसार लिए भारत में, इनके पैर को रोकना पड़ेगा और उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका जागरूक होना। अगर आप जागरूक होते हैं तो ज़रूर इनको मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक छोटा सा लाइक भी कीजिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।